हे गाइस, शोभित हियर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपनी चैन स्प्रॉकेट को कैसे उसका मेंटेनेंस करेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन अच्छा हो जाए आपकी बाइक का। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये बॉक्स खोलना होगा जहाँ छोटा वाला स्प्रॉकेट लगा होता है, जिसको ड्राइव स्प्रॉकेट बोलते हैं, और जो आपको रियर व्हील में लगा होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर, तो इसको ड्रिवन स्प्रॉकेट बोलते हैं। और इसके साथ साथ ही ये जो चैन है, तो हमें इसमें भी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंदर कितनी गंदगी हो गई है। इसी की वजह से आपका चैन स्प्रॉकेट जल्दी कट जाता है, घिस जाता है, और गाड़ी के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसको भी हम साफ़ करेंगे, और इसके साथ ही स्प्रॉकेट में ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी करेंगे। गाइज, कुछ दिन पहले मैंने अपनी चैन को साफ़ किया था मिट्टी के तेल से और पेट्रोल से, तो मैं पूरी चैन को अब नहीं साफ़ करूँगा। मैं केवल इसको ग्रीस और ऑयलिंग से लुब्रिकेट कर दूँगा आज। तो गाइज, अब हम अपनी चेन को लुब्रिकेट करने के लिए ऑयलिंग करेंगे। तो इसके लिए ये मेरे पास डिब्बी, इसमें ऑयल भरा हुआ है, इंजन ऑयल, और इसी से मैं लुब्रिकेट करूँगा। तो इसको लुब्रिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना इंजन को स्टार्ट कर लीजिए बाइक को, और उसके बाद उसमें फर्स्ट गियर में उसको डाल दीजिए। तो ये हल्का हल्का अपने ऑटोमेटिकली घूमता ही रहेगा, और आपको केवल ऑयल डालना है तो पूरी चेन लुब्रिकेट हो जाएगी। तो मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। और हमारी चेन अब लुब्रिकेट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अपनी आप चेन स्प्रॉकेट को लुब्रिकेट करते रहिए, साफ़ सफाई करते रहिए, तो आपकी आधी इंजन की प्रॉब्लम और परफॉर्मेंस माइलेज की प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।